हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सड़क के किनारे लगे हुए माइलस्टोन्स के बारे में, यानी कि मील का पत्थर। फ्रेंड्स, मील का पत्थर हमें दूरी तो बताता ही है, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस मील के पत्थर पर एक रंग की पट्टी बनी होती है, कलर स्ट्रिप बनी होती है, और ये कलर स्ट्रिप अलग अलग हाईवेज या अलग अलग सड़क के किनारे लगे हुए माइलस्टोन्स पर अलग अलग रंग की होती है। जैसे कि ये येलो हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट हो सकती है, या फिर रेड या ऑरेंज भी हो सकती है। तो इन रंगों का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी हाईवे पर सफर कर रहे हैं और उसके किनारे लगे हुए माइलस्टोन्स की कलर स्ट्रिप येलो कलर की है, इट मींस आप एक नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं और इस हाईवे का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने करवाया है और इसकी मरम्मत व देखरेख का जिम्मा भी केंद्र सरकार के पास होता है। फ्रेंड्स, अगर माइलस्टोन्स की कलर स्ट्रिप का कलर ग्रीन है यानी कि हरा कलर है, इट मींस आप एक स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं और इस हाईवे का निर्माण राज्य सरकार ने करवाया है और इसकी देखरेख व मरम्मत का जिम्मा भी उस राज्य सरकार का होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर माइलस्टोन्स की कलर स्ट्रिप का कलर ब्लू, ब्लैक या व्हाइट है, इट मींस आप किसी बड़े शहर या जिले के नजदीक है और ये सड़क उस जिले या शहर के प्रशासन के नियंत्रण में आती है। इसका निर्माण, इसकी देखरेख व मरम्मत का जिम्मा भी उस शहर या फिर जिले के प्रशासन के नियंत्रण में होता है। और अगर आप जिस सड़क पर सफर कर रहे हैं उसके किनारे लगे हुए माइलस्टोन्स की कलर स्ट्रिप का कलर लाल या नारंगी रंग का है, इट मींस आप एक गांव की तरफ जा रहे हैं और इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था मील के पत्थर पर बनी हुई अलग अलग रंगों की पट्टियों का मतलब, जिसके कि अपने अलग अलग मायने होते हैं, यानी कि हर रंग कुछ कहता है। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए रुचिकर रही होगी और आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल भी रहेगी।